हेलो एवरीवन, दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्पोटलाइट में। तो दोस्तों आज खेला जाएगा महा मुकाबला। जी हां दोस्तों, यह मुकाबला होने वाला है राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में। जी हां दोस्तों, यह मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए बेहद ही अहम है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दोनों टीमों का संभावित प्लेइंग 11 जो कि दुबई में खेलती हुई नजर आ सकती है आज शाम के 7:30 पर। तो दोस्तों आगे इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी खबर लाते रहते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप आईपीएल से जुड़ी और भी खबर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करें राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु में, अभी तक कुल 24 मुकाबला खेला गया है जिनमें से राजस्थान रॉयल्स ने 10 मुकाबला जीता है। तो दोस्तों वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 11 मुकाबला जीता है और 3 मैच चूंकि रद्द हो चुका है। तो दोस्तों आखिरी मुकाबले की बात करें तो दोस्तों वह मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीत लिया था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। तो दोस्तों दोनों टीमों का कंफर्म प्लेइंग 11 की बात करें जो कि दुबई में खेलते हुए नजर आ सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम राजस्थान रॉयल्स का प्लेइंग 11 बात करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार को होगा राजस्थान रॉयल्स का प्लेइंग 11। यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन जो कि कैप्टन होंगे राजस्थान रॉयल्स के, लियाम लिविंगस्टन, माहीपाल लोमरोल, शिवम दुबे, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, कार्तिक त्यागी, चेतन सकारिया और मुस्तफिजुर रहमान। तो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स में 2 चेंजेस नजर आ सकते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ। यहाँ दोस्तों रियान परा के जगह पर शिवम दुबे खेल सकते हैं राजस्थान रॉयल्स में और जयदेव नाटकर के जगह पर कार्तिक त्यागी के फिर से वापसी हो सकती है राजस्थान रॉयल्स में। वहीं दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का कंफर्म प्लेइंग 11 बात करते दोस्तों कुछ इस प्रकार होगा। विराट कोहली, देवदत्त पड्डीकल, केएस भरत, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, टिम डेविड, शहबाज अहमद, काइली जेमिसन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल। जी हां दोस्तों, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु में भी एक चेंजेस नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, डैनियल क्रिस्टन के जगह पर टिम डेविड को फिर से वापसी हो सकती है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के प्लेइंग 11 में। तो दोस्तों यह है दोनों टीमों का लगभग संभावित प्लेइंग 11 जो कि दुबई में खेलते हुए नजर आ सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है किस टीम का रहेगा बेहतरीन प्रदर्शन, राजस्थान रॉयल्स या रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं दोस्तों ये खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।